So finally, Varanasi farm done. Good morning guys. So आज वाराणसी का हमारा last day है और आज हमने सोचा है कि किसी ऐसी जगह शांत सी जगह में रहें जहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ कम हो, तो इसलिए हम सिटी से अप्रॉक्स 4 से 5 किलोमीटर दूर एक मदरवान करके छोटी सी जगह है, आज हम वहाँ रह रहे हैं। और जिस हम रिजॉर्ट में हम रह रहे हैं उसका नाम है किरण गंगा। ये इसकी छत है जहाँ से पूरे घाट का नज़ारा बहुत प्यारा दिख रहा है। तो फाइनली हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। इट वॉज रियली नाइस टू स्टे हियर और मैं बहुत अच्छा लगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू दिस मैन जिनके कारण हमको ये जगह बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच भैया, अगली बार जब भी हम आएंगे तो पक्का आपसे मिलेंगे। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, बाय कर दो। सो होटल से चेकआउट करने के बाद हम मेन सिटी की तरफ चले गए, यहाँ से अप्रोक्स 4 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। अभी हम लोग सारनाथ मंदिर के सामने खड़े हैं। ये जो मंदिर है वो बहुत ही पुराना मंदिर है। इस मंदिर के अंदर बुद्ध भगवान की एक मूर्ति है। भगवान बौद्ध की इस पत्थर की मूर्ति पे गोल्ड का पॉलिश किया गया है। ये मेन जगह थी बुद्ध भगवान के टेंपल का। फोटो खींचोगे तो 20 रुपए दान पात्र में डालने पड़ेंगे और वीडियो बनाओगे तो 100 रुपए। इतना कमर्शियल है, बिजनेस भाई, बिजनेस हर जगह। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। यहीं से भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन शुरू किया था। तो फाइनली बनारसी फार्म डन। मैंने भी खाया, सिर्फ इसने अकेले नहीं खाया, मैं भी खा रही हूँ। इसका जो टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है और बहुत ही अच्छा पान है। तो अभी हम जिस कैफे में जा रहे हैं उसका नाम है आई लव माई वाइफ और ऊपर एक और है उस पर लिखा है वाइफ ऑन लीव। यानी आप कपल में हो तो नीचे खाना खाओ और अगर आप सिंगल हो तो वाइफ ऑन लीव में खाना खाओ। एक्चुअली हम संकटमोचन मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा हमको, तो हम यहाँ रुक गए, हम यहाँ कुछ खाएंगे। सो दिस इज द प्लेस और हम एग्जैक्टली यहाँ बैठ रहे हैं ये सारे दोस्त। कैफे के वॉल्स पे इन्होंने उन मूवीज के पोस्टर लगाए हुए हैं जो वाइफ से रिलेटेड है। बहुत ही अलग आइडिया है इसका और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है एक्चुअली। सो अभी हम वाराणसी के तुलसी मानस मंदिर में हैं। ये तुलसी भगवान का मंदिर है, तो आइए इसके अंदर चलते हैं। इस मंदिर की चारों तरफ की दीवारों में रामचरितमानस का जो ग्रंथ है वो लिखा गया है। मंदिर के अंदर ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर में एक पार्ट है, पार्ट इन द सेंस कि अंदर छोटी छोटी झांकियां बन रखी है स्कल्पचर्स जैसे जो कि मूविंग है, और वहाँ की एंट्री जो है वो 5 रुपए पर हेड लगती है, सिर्फ 5 रुपए का पर हेड टिकट। तो ये था तुलसी मानस मंदिर। अगर मोटा मोटा बोला जाए तो रामायण के जितने पार्ट हैं और जितनी भी चीज़ें हैं जो रामायण से जुड़ी हुई है उन सब चीज़ों का ये मंदिर है।
तुलसीमानस मंदिर से जो संकट मोचन का मंदिर है हनुमान जी का, वो अप्रॉक्स आधा किलोमीटर दूर है। तो हम टैक्सी नहीं ले रहे हैं, हमने उसको पार्क कर दी एक जगह पे। यहाँ से आधा किलोमीटर हम वॉक करके जा रहे हैं। कैसा लग रहा है वॉक करते हुए? इतने दिनों से वॉक कर रहे हैं यार, चार दिन आदत पड़ गई है। अब तो आदत से मुझको है ऐसे चलने की। चार दिन हम इतना चले हैं, हम चार दिन इतना चले हैं कि कांट एक्सप्लेन। ये शॉप्स हैं मंदिर के बाहर। तो ये मंदिर के बाहर का पार्ट है जहाँ अपने जूते या कुछ भी अपना सामान है वहाँ सबमिट करा सकते हैं। अंदर मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। ये हमारे सामने मंदिर है तो मुझे अपना कैमरा यहीं सबमिट करवाना पड़ेगा मोबाइल के साथ, तो अंदर की रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। मंदिर से आते हैं फिर बात करते हैं। तो कुल मिला के हमने बनारस के चार मंदिर कवर कर लिए हैं और फिलहाल हम घूम के दोबारा अपने कौन से घाट पे आ गए हैं? अस्सी घाट पे आ गए हैं, जो कि बनारस का हमारा फेवरेट स्पॉट है जहाँ तीन दिन से लगातार आ रहे हैं। यहाँ हम थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद हम एक घंटा अपने शॉपिंग को देंगे। शॉपिंग करेंगे, अपने होटल में जाएंगे, वहाँ से सामान उठाएंगे और 10:30 की जो ट्रेन है उससे हम जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास टिकट नहीं है ना ही कुछ कंफर्मेशन है, लेकिन दो दोस्तों के पास टिकट है तो हम कोशिश करेंगे कि टीटी से बात करके जुगाड़ होकर हम दिल्ली किसी तरह पहुँच जाए। तो फिलहाल ट्रिप का ये हमारा अस्सी घाट का लास्ट विजिट था। जगह को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। तो 10:20 की ट्रेन है, अप्रॉक्स 10:15 हो चुके हैं। दो जनरल के टिकट ले लिए मैंने 450 की और अब हम पहले टीटी से बात करेंगे, शायद से एक दो सीट मिल जाए तो हम दिल्ली तक पहुंच जाएं। 5 मिनट पहले पहुंचे हम, तो वी आर ऑन टाइम। सो मैंने मैगी ली है रास्ते के लिए, क्योंकि जिस ट्रेन में हम जा रहे हैं उस ट्रेन में पैंट्री नहीं है और रात को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अप्रॉक्स 15 घंटे का सफ़र है तो वी हैव समथिंग टू ईट। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई। सो गाइस, अगर आपको बनारस का ये लास्ट व्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट व्लॉग कौन सी सिटी का करना चाहते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अभी जाना मत, ट्रेन की कुछ मस्ती हैं वो ज़रूर देख लेना। बाय बाय। रिक्शे वाला डायलॉग भैया। ए रिक्शे वाले, पैसे ना लेना, भाभी है तुम्हारी। कौन सी वाली भैया? कौन सी वाली? वो जो गुस्से में है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। एक और भैया। बहुत क्या सुनाए हो भैया, टाइम पास हो रहा है, क्या सुनाए हो, मजेदार, बहुत अच्छा। और टीवी में तुम एक और आग लगा दिया, आग, ये छाएगा लड़का। चलो आग लगा दो, बहुत आठ। चलो एक और प्यार ना हुआ। प्यार ना हुआ, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, साला 10 साल से क्लियर ही नहीं हो रहा। क्या बात। बढ़िया एकदम, आपने मैं टक्कर दे दिया। जियो मुरारी, क्या खबर सुनाए हो? सिंगर रहे हैं अब रिंकिया के पापा थे, रिंकिया के पापा इन्हीं हाथ देनी। अरे चट दे न मार देनी, खींच के तमाचा ही हाथ देने। अरे ही हंस दे ले रिंकिया के पापा, ही हंस दे ले रिंकिया के पापा, ही हंस दे ले। You're still here. It's over. Go home.